अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। बहुत सारे कमेंट्स मिले दोस्तों आप लोगों के कि आप कम बजट के परफ्यूम्स का रिव्यू करो, सस्ते परफ्यूम्स का रिव्यू करो। और मुझे पता है कि लॉकडाउन की वजह से बहुत के लोगों के काम पे इफ़ेक्ट हुआ है। मेरी भी बहुत सारे प्लान्स हैं अच्छे परफ्यूम्स के और कम बजट के परफ्यूम्स का रिव्यू करने के, ताकि आप लोगों को आसानी हो ख़रीदने के लिए। और अगर ये परफ्यूम्स में जो मैं कर रहा हूँ वो एक्सपेंसिव भी है, मैं उसके डिकेंस अवेलेबल कर रहा हूँ जिससे आपको उसे आसानी हो ख़रीदने में। प्लानिंग्स बहुत लंबी है दोस्तों, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है जिससे मैं अच्छे से अच्छे परफ्यूम्स का रिव्यू करूँ जो कम बजट में हो और स्मेल वाइज भी बहुत प्रीमियम हो। ऐसे बहुत सारे परफ्यूम्स और अत्तर्स मेरे पेंडिंग हैं जो लॉकडाउन की वजह से सब पेंडिंग रखे हुए हैं, बहुत ही जल्दी वो सब रिव्यू होंगे इस पर। आज का जो हमारा वीडियो है दोस्तों वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अरेबियन ऊद के बारे में, और इसका एक परफ्यूम है जो बहुत ही स्पेशल है जिसका नाम है कश्मीर। दोस्तों ये परफ्यूम इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसके बारे में लिखा गया है कि ये इंस्पायर्ड है चार्म ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर से। तो चलिए बात करते हैं कश्मीर परफ्यूम के बारे में। सबसे पहले बता दूँ, अरेबियन ऊद एक सऊदी बेस्ड कंपनी है जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है अपने अरेबियन स्टाइल परफ्यूम्स के लिए। ओरिएंटल परफ्यूम्स भी रखते हैं, और कश्मीर परफ्यूम जो है इंटरनेशनली और फ्रेगरेंस कम्युनिटी में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। कश्मीर EDP फॉर्मेट में आता है और इसकी साइज़ जो है वो 100 ml। इसकी कीमत है अराउंड 8,000 rupees, और अगर आप इसे फ्रेगरेंस को ट्राई करना चाहते हो तो डीकैन साइज़ भी अवेलेबल है। स्मेल वाइज तो ये परफ्यूम कमाल का है, बट इसका प्रेजेंटेशन भी काबिल तारीफ़ है, जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा होगा। ये एक हाई क्वालिटी क्रिस्टल ग्लास बॉटल में आता है, इसका स्प्रे ऑटोमाइजर भी काफ़ी ज़बरदस्त है, और ये एक कलेक्टेबल बॉटल है। अब बात करते हैं इस परफ्यूम की स्मेल प्रोफाइल की, इसके नोट्स के बारे में। इसमें टॉप में आपको फ्रूटी नोट्स मिलते हैं जो है जापानीज यूजू, ब्लैक करंट और प्लम से। जापानीज यूजू का जो ओडो प्रोफाइल होता है वो थोड़ा बिटर सिट्रसी होता है। ब्लैक करंट का ओडो प्रोफाइल जो होता है वो ग्रीन मिंटी और फ्रूटी सा होता है, और प्लम जो होता है वैसे तो एक सेंशल फ्रूट है। मिडल में ये स्लाइटली ऊदी और फ्लोरल नोट्स देता है जो है ऊद के, रोज़ और जैस्मिन के, और बेस में ये मस्की और बोडी नोट्स देता है जो है कश्मीर वुड के और वैनिला के। कश्मीर वुड जो है वो इसका ओडो प्रोफाइल जो होता है वो एक मस्की वुडी सा होता है, और वैनिला जो होता है वो एक स्वीट स्मेल होती है। तो ये जो परफ्यूम है इसे मैं कहूँगा दोस्तों एक फ्रेश एरोमेटिक फ्रेगरेंस। इसमें आपको ट्रॉपिकल फ्रूट्स के साथ में रोजेज, जैस्मिन की खुशबू मिलेगी। जब ये नेक्स्ट ट्रांजिशन में जाता है तो आपको एक लाइट ऊद की स्मेल आएगी, और जब ये एंडिंग में सेटल होता है तो आपको इसमें मस्की वुडी और स्वीट स्मेल आएगी जो कश्मीर वुड की है और वैनिला की खुशबू है। ये 6 to 7 hours तक ईजिली लास्ट करता है। सियाज और प्रोजेक्शन भी ठीक ठाक है। ये फ्रेगरेंस को स्मेल करके आपके आसपास के लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी ज़रूर देंगे, और इसे मैं कहूँगा एक वर्सेटाइल फ्रेगरेंस। इसे कोई भी एज ग्रुप पसंद कर सकता है, जो चाहे वो 25 ईयर्स का हो या 50 ईयर्स का हो, और ये मैन वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये एक ईजी एंड प्लेजेंट स्मेलिंग परफ्यूम है, और ऑल लोकेशन में ये फिट होता है। अगर आप एक लाइट एरोबिक फ्रूटी फ्लोरल वुडी फ्रेगरेंस पसंद करते हो तो कश्मीर कमाल का फ्रेगरेंस है, और मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो इसी के साथ में हम अपना वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा ताकि YouTube इसको थोड़ा और आगे रिकमेंड करे, और सब्सक्राइब ज़रूर करें नाज परफ्यूम को अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो। मिलते हैं जल्दी फिर से एक नई वीडियो के साथ में, और मेरी कोशिश है कि दोस्तों मैं कम बजट के परफ्यूम्स जो आप लोग के कमेंट्स मुझे मिलते हैं उसके ऊपर परफ्यूम्स के रिव्यू करूं। बस थोड़ा ये लॉकडाउन ईज आउट हो जाए फिर ये सब होगा दोस्तों इस चैनल पे। और तब तक के लिए ऐसे ही आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशबू फैलाते रहिए, और अपनी भाई की वीडियो आगे बढ़ाते रहिए। स्टे सेफ और अल्लाह हाफिज़।